नमस्कार, sathhindi.com में आपका स्वागत है। असम की चुनाव यात्रा के क्रम में मैं आज शिवसागर में हूँ। शिवसागर का संग्राम न केवल असम के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। पूरे देश की निगाहें इस कंस्टिट्यूंसी पर लगी हुई हैं क्योंकि यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं अखिल गोगोई। राइज और दल उन्होंने अभी बनाया है। सीए के खिलाफ जो ज़बरदस्त आंदोलन चला था असम में, उसका उन्होंने नेतृत्व किया था और उसके बाद से, बल्कि उसके पहले से भी अखिल गोगोई की एक राष्ट्रीय छवि रही है। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे हैं, किसानों की समस्याओं पर लड़ते रहे हैं, पर्यावरण के आंदोलनों में उनकी बड़ी ही सक्रिय भागीदारी रही है, तो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ख्याति है और वो पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसलिए सबका ध्यान इसलिए है और इसलिए भी है क्योंकि उनकी जीत हार बहुत कुछ असम के बारे में कहेगी। उनकी पार्टी की सफलता असफलता इस चुनाव को परिभाषित कर सकती है। तो आज हम आए हैं अखिल गोगोई का जो चुनावी दफ्तर है, मुख्य दफ्तर है शिवसागर में, वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे अखबारों के बंडल बांधे जा रहे हैं, शायद इनमें अखिल गोगोई का कुछ प्रकाशित हुआ है, उनके बयान वगैरह। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि पहले तो आप मुझे अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम दुलाल दास है। दुलाल दास, ये बताइए कि क्या हो रहा है यहाँ, ये अखबार के ढेर क्यों लगा है? जी सर, देखिए, काल का हो जो हमारा जुलूस निकला था, वो जुलूस का मतलब कवरेज आया है आज फुल दिन, इसीलिए वो कवरेज का हम लोग प्रसार के लिए मतलब पूरा मार्केट में मतलब क्या 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 कवरेज आया है, क्या काल का जो जुलूस है वो कवरेज आया है। साथ में हम लोग ये कारागार से मतलब अखिल गोगोई जी ने मतलब राज के लिए एक खत लिखा था, वो खत भी उनका साथ में दे रहा हूँ। अच्छा, तो इस खत में मेरे ख्याल से उन्होंने ये लिखा है कि उनके वो बुरी तरह टॉर्चर किया गया और NIA ने उन पर दबाव डाला कि वो BJP ज्वाइन कर लें, RSS ज्वाइन कर लें, उनको कुछ ऑफ़र भी किया गया, पैसे का भी ऑफ़र किया गया। तो ये चुनाव के समय ही उन्होंने ये बयान क्यों जारी किया होगा, कुछ आइडिया है आपको? मतलब सर, वो तो मतलब जब जेल में था तब तो वो किसी से बोल नहीं सकता था, पहले तो बहुत करा उसको उस पर मतलब लगा गया था। अभी जब चुनाव आ गया है और चुनाव मतलब ये जो सच है, तब सच को मतलब सबको वो जनाने के लिए, जनादेश देने के लिए वो सबको बला है। जो सच है वो मतलब राइज उसको मतलब थिरांग करे, उसके बाद में वोट डाले सर। तो ये तो हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि अखिल गोगोई को बहुत सारे मामले में फंसाया गया है, उन पर उनको टॉर्चर किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। वो बड़ी बुरी तरह बीमार हो गए थे, तब भी उन्हें जेल से छोड़ा नहीं जा रहा था। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पूरे आंदोलन को रोकने के लिए, जो CA के खिलाफ आंदोलन चल रहा था उसको रोकने के लिए भी अखिल गोगोई को अरेस्ट किया गया था। उनके साथ कई और उनके नेताओं को अरेस्ट किया गया था, उनमें से एक या दो को छोड़ दिया गया है, लेकिन अखिल गोगोई अभी भी गुवाहाटी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं और एक तरह से जेल में रहते हुए ही ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये हालांकि दो सीटों से वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन शिवसागर उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंस्टिट्यूंसी है और चूंकि माना जाता है कि यहाँ उनका प्रभाव रहा है, यहाँ वो उनका कर्म क्षेत्र भी रहा है, इसलिए उनका दावा बहुत मजबूत है। तो इस खत के बारे में कुछ और बताएंगे आप? जी सर, इसमें वो देखिए, उनको खरीदने का कोशिश किया था और उनको मतलब बहुत लालच दिया गया था, वो सब कुछ इनकार कर दिया है। वो लास्ट में एक ही बोला है, मैं मातृभूमि के लिए काम करूँगा, मातृभूमि का सफर लेकर के वो बोला है, मैं हमेशा राज्य का साथ में रहेगा, राज्य का मतलब जनसाधारण का काम करने के लिए वो शपथ लिया गया है। अच्छा, और इसके पहले भी एक दिन बयान आया था कि BJP को हराना है, वो क्या था? मतलब BJP के द्वारा हराना है, जो भ्रष्टाचार है देश में, जो भ्रष्टाचार है मतलब वृद्धि है, आप लोग सब देख रहे हैं उसको, मतलब वो एक एक करके जितना हमको राजा चंद है वो लोग को बिक्री करते जा रहा है। ऐसा होने से मतलब, और अगला साल अगर BJP आ जाएगा, मान लीजिए ये देश में कोई सरकार बल्कि नहीं रहेगा, सिर्फ पीटने के लिए पुलिस रहेगा और मतलब कानून के लिए अदालत रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा सर। इसीलिए वो बोला है BJP को हटा लो और भ्रष्टाचार हटा लो सर। तो ये दफ्तर है अखिल गोगोई का, आप जानते ही हैं कि अखिल गोगोई कोई BJP के शहंशाह नहीं है, जिनके लिए पूरे धन संसाधन लगा दिए जाएंगे, वो अपने कार्यकर्ताओं के और अपने जुझारू जो संगठन हैं उसके बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन गौरतलब बात ये है कि अखिल गोगोई के प्रचार में
देश भर से लोग आ रहे हैं। अभी यहाँ मेधा पाटकर आई थी, संदीप पांडे यहाँ पर अभी मौजूद हैं इस समय इस शहर में और प्रचार कर रहे हैं। इस तरह से देश भर से लोग उनके प्रचार के लिए आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है, अखिल गोगोई में देश भर के उन कार्यकर्ताओं की दिलचस्पी क्यों है, उन्हें क्यों लगता है कि अखिल गोगोई का समर्थन करना चाहिए, अखिल गोगोई को जीतना चाहिए यहाँ से। हमारे साथ प्रशांत टंडन हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली से ये भी असम के चुनाव को कवर करने के लिए आए हुए हैं। संयोगवश उनसे हमारी मुलाकात हुई है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस शिव सागर सीट पर अखिल गोगोई के चुनाव लड़ने का मतलब क्या है, उसके मायने क्या हैं, और असम की राजनीति के संदर्भ में देखें तो वो भूमिका क्या निभा रहे हैं। मुकेश जी, जैसा आपने शुरू में कहा, शिव सागर की सीट असम के पूरे चुनाव में एक ध्रुव के माध्यम की तरह से है, एक एपिसेंटर है। और पिछले साल हमने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन देखा CA NRC के विरुद्ध। NRC जब पब्लिश हुई उसके पांचवें दिन में असम आया था, बहुत गुस्सा, बराक वैली से लेकर अपर असम में सब जगह हमने बहुत गुस्सा देखा था, क्योंकि 19 लाख लोगों के नाम NRC से कट गए थे। और एक लंबी प्रक्रिया है, उसका एक डर है बहुत, और वो गुस्सा शिव सागर उसका एक, अब मैं कहूँ कि उसका एक सिंबल बन गया है, और वो सिंबल इलेक्शन में दूर तक असर करेगा। सिर्फ ये शिव सागर की सीट कौन हारेगा कौन जीतेगा ये एक मसला है ज़रूर, लेकिन इसके अलावा ये जो CA NRC का पूरा मुद्दा है वो सेंट्रल मुद्दा असम में। आप कहीं कहीं भी जाएं, आप भी असम में देख रहे हैं, मैं भी कई जगह घूम के आ रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि खासकर युवाओं में ये CA का मुद्दा, यानी नागरिक संशोधन बिल का कानून का मुद्दा, जिसको यहाँ पे युवा लोग का कहते हैं, तो वो का मुद्दा जो है वो बहुत ही बाइंडिंग एक इशू है पूरे असम में। और ये सीट, शिव सागर की सीट, उसका एक मैनिफेस्टेशन है, उसका एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। तो प्रशांत जी का कहना है कि ये पूरा जो चुनाव है अखिल गोगोई का, दरअसल उसका मुख्य बिंदु, मुख्य मुद्दा ही CAA है। CAA या जिसको यहाँ का कहते हैं, और ये भी जुमला यहाँ चलता है, का अमीन ना लागे, तो का यहाँ कोई नहीं चाहता है। NRC का मसला बताया प्रशांत जी ने कि 19 लाख लोगों के नाम उसमें आ गए, जिसमें से करीब 13 लाख लोग तो हिंदू हैं, तो उस NRC को लेकर BJP बहुत डिफेंसिव है। लेकिन जो CA है उससे असमिया समाज अपने लिए बहुत ख़तरा देखता है, क्योंकि उसमें जो तारीख 1971 की थी उसको बढ़ाकर 2014 कर दिया गया है, और उसमें हिंदू जो बांग्लादेशी हैं उनको छूट दे दी गई है। और उससे लगता है असमिया लोगों को कि अगर हिंदू वहाँ से आ गए तो जो असमिया हिंदू हैं या असमिया समाज है वो अल्पमत में आ जाएगा, उनकी भाषा संस्कृति को खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे इश्यूज हैं अखिल गोगोई से जुड़े हुए, अखिल गोगोई के आंदोलन से जुड़े हुए। तो हमारे साथ एक पत्रकार, और बल्कि जानकार कहूँगा, पत्रकार तो नहीं है, वो भी आप रायपुर से आए हैं, छत्तीसगढ़ रायपुर से आए हैं, डॉक्टर विक्रम हैं, और ये भी चुनाव में दिलचस्पी रखते हैं राजनीति में, इसलिए यहाँ घूम रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये क्या प्रतीकात्मक महत्व है अखिल गोगोई के यहाँ चुनाव लड़ने का। अभी तक चुनाव और राजनीति से, सीधी राजनीति से अखिल गोगोई परहेज करते रहे हैं, वो अपने को इस पूरे उससे दूर। मैं आपको और बता दूँ कि जब आम आदमी पार्टी बनी थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद, आम आदमी पार्टी बनाई गई थी, तो अखिल गोगोई ने उससे खुद को अलग कर लिया था, कहा था कि हम राजनीति से दूर रहेंगे, और अब इस बार उन्हें राजनीति में आना पड़ा। तो उनके राजनीति में हस्तक्षेप करने के क्या मायने हैं, डॉक्टर विक्रम? सबसे पहले अखिल गोगोई की लड़ाई का क्या मायना? मैं आप ही की बात से, अंतिम वाक्य से शुरू करूँगा। जिस समय अखिल गोगोई ने राजनीति से दूर रहने की बात कही थी, उस समय देश में एक गैर राजनीतिक आइडियलिज्म के लिए जगह बाकी थी, स्पेस बाकी थी विमर्श में। पिछले 7 सालों में हमने ये देखा है कि इस देश से गैर राजनीतिक आइडियलिज्म के लिए कोई स्पेस बाकी नहीं रही। तो अब जब अखिल गोगोई राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं, तो हम इस बात से बिल्कुल पूरी तरह से मुतमईन हैं इस बात को लेकर कि अब इस देश में
किसी भी तरह की आइडियलिज्म गैर राजनीतिक नहीं हो सकती क्योंकि उसके पास स्पेस नहीं बचा। दूसरा एक और मुद्दा जो इससे उभर कर आता है कि अखिल गोगोई के चुनाव लड़ने का एक बड़ा कारण ये है, मतलब नतीजा एक ये निकलता है कि जब इस तरह से एक आइडियोलॉजिकल आइडियलिस्ट स्टैंड पॉइंट कोई ले लेता है उस चुनाव को भटकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई भी दल कितना भी बड़ा प्रोपेगेंडा मशीन लेकर आए वो बिल्कुल अब यहाँ पे पोलराइजेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे दंगों के या किसी चीज़ को लेकर मुद्दा बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल एक आइडियल स्टैंड पॉइंट के रूप में ध्रुव तारा के रूप में एक पॉइंट खड़ा हो गया है, उसको मत कितने भी मिले लेकिन वो हमेशा इस तरह से एक स्टैंड पॉइंट बना देता है कि जिससे मुद्दों को भटकाना मुश्किल बड़ी पार्टियों के लिए हो जाएगा। देख सकते हैं कि ये सत्ता की जो राजनीति है उसमें जनता की राजनीति का हस्तक्षेप है, ये जनता के मुद्दे राजनीति में लाने की कोशिश है और एजेंडा बदलने की कोशिश है। बिल्कुल सही कहा आपने, एजेंडा बदलने की और एजेंडा को भटकाने की कोशिश को चुनौती है कि हम खुद अपने एजेंडा लेकर आ रहे हैं, हम मजबूर कर देंगे कि तुम इन पर बात करो, वोट किसी भी तरफ पड़े लेकिन हम तुम्हें वो नहीं करने देंगे जो तुम बड़ी आसानी से अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी से कर जाते हो। थैंक यू डॉक्टर विक्रम। हमारे साथ एक और अखिल गोगोई की टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य मौजूद हैं, कृपया अपना नाम बताइए पहले। नमस्कार, मेरा नाम नीरन काकती है। मैं एक्चुअली आर्टिस्ट हूं और थोड़ा लिखता हूं पेपर में, मैगजीन में। जी, तो ये बताइए कि अखिल के इस अभियान से आप क्यों जुड़े हैं, आपको क्या लगता है कि अखिल गोगोई चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या बदल जाएगा राजनीति में? और देखिए, पहले है अखिल, है अखिल गोगोई जी है असम का सर्वहारा जनता का एक नेता, कंठहीन का ये कंठ है। इसलिए हर लोग जो शिवसागर विधानसभा 108 शिवसागर विधानसभा समस्ति ने ये वो विधायक के लिए आया है, हर ग्रामीण लोग और हर नागरिक वो शिवसागर टाउन का इसके साथ है। लेकिन बीजेपी के पास पैसा बहुत है, हाँ पैसा खर्च कर रहा है, आप कैसे मुकाबला करेंगे? वो तो जनता का राजदान है ना, जनता जनार्दन है, आप वो पेशन लोगे तो हर लोग हमारा अकाउंट में जो अखिल में एक पत्र भेजा वो जेल में इसके अकाउंट नंबर दिया है वो अकाउंट में भी, और हमारा जो ऑफिस है बा हमारा जो कर्मी है लोग है आदमी है इसके साथ हर लोग, गरीबी लोग है 10 रुपया 20 रुपया 500 रुपया ऐसे पैसा भेजा, ये है हमारा सारथी। ये सारथी में हमारे तो गरीबी दल है, राइजर दल, ये तो राइजर दल मीन्स जनता, जनता का दल है, वो दल हम एक नतून न्यू दल है, नया दल है। इसके साथ हमारा पास पैसा भी नहीं है, सब लोग हमारा सहाय किया, हेल्प किया वो इलेक्शन के वकील के साथ जीतने के लिए। यहाँ पर ट्राइंगुलर फाइट है, त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस भी है बीजेपी भी है, तो ये कहा जा रहा है कि कहीं अखिल गोगोई का कांग्रेस का वोट काटेंगे तो बीजेपी जीत जाएगी, अगर बीजेपी का वोट काटा तो कांग्रेस जीत जाएगी, अखिल गोगोई का क्या होगा? देखिए, मैं ऐसे बताऊंगा तो दिल्ली में सही है, कांग्रेस सरकार है इसके साथ बीजेपी सरकार है, लेकिन न्यू दल है आम आदमी अरविंद केजरीवाल जी के साथ, वो दल तो जीत गया। ऐसे के इसे उदाहरण है, ये दृष्टांत है, असम में भी देखेगा राइजर दल में एक दृष्टांत खड़ा करेंगे अखिल के साथ, ये है। असम जातीय परिषद के साथ भी आपका कुछ बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाया? मिली जुली है वो समर्थन, असम जातीय परिषद ने अखिल को समर्थन किया है, हर लोग यहाँ पे हम घर घर में गया था, ग्रामीण गांव गांव में गया था, हर लोग ऐसे हमको बताया है, तो बीजेपी कोई बात नहीं, कांग्रेस ऐसे मालूम नहीं, हम सब लोग अखिल के साथ है, हम गैस सिलेंडर में अखिल के साथ वोट भेजाऊँगा। ये बताइए, मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर इस चुनाव में आपकी पार्टी को सफलता नहीं मिलती है, सफलता तो मिल जाएगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा, हम ये आभारी है, जनता में आभारी है, हम जीतेंगे और लड़ाएंगे। तो ये असम में अखिल गोगोई जी के कार्यकर्ता हैं और पूरी टीम है लगी हुई है, चूँकि साधन संसाधन कम है लेकिन फिर भी जोश है, जज्बा है
और कुछ उसूल हैं, कुछ राजनीति को बदलने का, समाज को बदलने का भी इरादा है और वो काम कर रहा है इस लड़ाई में। और हम ये देख रहे हैं कि अखिल गोगोई जो इस पूरे पिछले 5-7 साल के अरसे में एक हीरो की तरह उभरे हैं और आप देखिए कि उनके नायकत्व ने राष्ट्रीय ख्याति भी अर्जित की है, तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन अंततः तो चुनावी सफलता तय करती है कि अखिल गोगोई की पार्टी का भविष्य क्या होगा या असम की राजनीति कौन सा टर्न लेगी। अगर असफल होते हैं अखिल गोगोई तो ये उस राजनीति में भी एक नुकसान होगा जिसको अखिल गोगोई बढ़ाना चाहते हैं। बहरहाल इस त्रिकोणीय संघर्ष पर पूरे देश की निगाहें लगी हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि एक बहुत ही शानदार यहाँ की जनता एक जनादेश देगी जो एक मिसाल होगी। धन्यवाद आपका, आपने इस रिपोर्ट को देखा, उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।